डियर स्टूडेंट्स, केकेसीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये पहली क्लास है। आपको अपने साथियों को भी क्लास में आने के लिए बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो क्लास अटेंड करें। देखो बच्चों, हमारे एमएससी कंप्यूटर साइंस जो प्रीवियस है उसके अंदर 6 सब्जेक्ट है और उन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट है और उन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीओ भी बोलते हैं। सीओ शॉर्टकट में सीओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हम यूनिट वाइज यूनिट जो है आपके टॉपिक जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। आज मैं आपकी यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, आपके टोटल जो है हर सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट होगी, इसी तरीके से आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 5 यूनिट है। तो हम सबसे पहली यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है, इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका पहली यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। ये आपकी कौन सी है? आपकी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का हम जो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया कि भैया नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारी वैल्यूज को अलग अलग ग्रुप में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ये याद रखोगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किनको? वैल्यूज को। ठीक है, इससे आगे हम चलें तो आप देखोगे कि हम अगर देखें कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप यहां पर कहोगे कि नंबर सिस्टम जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। अब हम देखेंगे कि भैया ये बेस 10 क्या है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होते हैं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका बेस 10 होने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैंने कहा कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू हो उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं और इसका बेस मैंने क्या कहा? 10।
बेस 10 होने का मतलब है किसके अंदर, देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 9 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट हो उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है। बेस 10 होने का मतलब है किसके अंदर, इस नंबर सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। और वो नंबर कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक के नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2 है। इस बेस से मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर कितने नंबर होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं। और वो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 0 और एक होता है 1। कंप्यूटर किसको समझता है, या तो 0 को समझता है या 1 को समझता है। इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा का मतलब क्या होता है, 0 या फिर 1। ऐसी भाषा जो किससे मिलकर बनी है, 0 1 से मिलकर बनी है, उसे बाइनरी भाषा कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर यूज होते हैं, या तो 0 यूज होता है या 1 यूज होता है। टोटल नंबर कितने हो गए, 2। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है, 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे नंबर सिस्टम की बात करूं, तीसरा नंबर सिस्टम है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। आप देख रहे हो कि इसका बेस यहां पर हमने क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8। बेस 8 होने का मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितने नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे। और वो नंबर कौन कौन से होंगे, 0 से लेकर 7 तक। आप 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाना है, आपको 7 तक जाना है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8 होता है। इसी तरीके से हम चौथे नंबर सिस्टम की बात करें, चौथा नंबर सिस्टम कौन सा है, चौथा नंबर सिस्टम है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा नंबर सिस्टम कौन सा है, ये तो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप देख रहे हो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस यहां पर क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो यहां पर सिंपली आप ये कह सकते हो कि भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। बेस का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टोटल 16 नंबर होंगे। अब वो 16 नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर उसकी बात करें तो इसमें 0 से तो 9 तक के सीधे नंबर ही हो गए। 0 से 9 तक के क्या हो गए, सीधे नंबर हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अब बात रही उसके बाद में कि भी इसका बेस क्या है, इसका बेस तो 16 है, तो बाकी नंबर कहां गए। तो आप ये कहोगे कि इस ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के तो क्या होते हैं, डिजिट, टोटल 10 तो क्या हो गए, डिजिट हो गए। और इसके बाद में इसके अंदर हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, ए से लेकर एफ तक। ये जो एबीसीडी, इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ए से लेकर एफ तक हम यह यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब यहां पर है 10, बी का मतलब हो गया 11, सी का मतलब हो गया 12, ठीक है, डी का मतलब हो गया यहां पर 13, इसी तरीके से ई का मतलब हो गया 14, ठीक है, एफ का मतलब हो गया 15। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, मतलब अभी मैं ये सब डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं अभी आपको बता देता हूं, हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होता है, 16 होता है। वो क्यों होता है वो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के 10 तो डिजिट हो गए और ए से एफ तक के 5 अल्फाबेट हो गए, जिसमें ए बी सी डी ई एफ है। जहां पर ए की वैल्यू 10 होती है तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई, 15 हो गई। तो यहां पर सिंपली यहां पर ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक ऐसा तंत्र या ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबरों को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग समूहों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने 4 ग्रुप बना लिए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर का आधार क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने नंबर यूज होते हैं, 10 नंबर यूज होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर दो नंबर यूज होते हैं, एक तो 0 और एक 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है,
क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने नंबर यूज होते हैं, जीरो से लेकर सेवन तक, मतलब टोटल आठ नंबर यूज होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर का आधार 16 होता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल हम कितने नंबर यूज करते हैं, 16 नंबर यूज करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक के तो 10 तो नंबर हो गए, और ए से एफ तक के 5 अल्फाबेट हो गए, जहां पर ए की वैल्यू 9 के बाद में 10 आता है तो 10 होगी, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 हो गए। इसका मतलब हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो क्या हो गया, 16 हो गया। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि नंबर सिस्टम टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। एक बार आप बोलकर बता दें कि इतना क्लियर है, यस और नो, अनम्यूट करके एक बार बता दें आप, म्यूट वाला हटा करके। यस सर। ओप्पो 31 क्लियर है, यस और नो? यस सर, यस यस सर। अनम्यूट कर दो वापस। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने यहां पर 4 टाइप के जो नंबर सिस्टम आपको बताए हैं, 4 टाइप्स के जो नंबर सिस्टम मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, उसको अब मैं क्या करता हूं, डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में आप सिंपली यहां ध्यान रखोगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप देखो यहां पर ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार का जो नंबर सिस्टम है, इसमें एनी नंबर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ 10 सिंबल्स ओनली, ईच सिंबल इन द नंबर इज कॉल्ड ए डिजिट। तो यहां सिंपली मैं इन लाइनों का मतलब आपको समझा देता हूं कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम टोटल कितने सिंबल यूज कर सकते हैं, 10 सिंबल यूज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टोटल कितने सिंबल यूज कर सकते हैं हम, सिंबल का मतलब यहां पर चिन्ह से है, टोटल कितने सिंबल्स यूज कर सकते हैं, 10 सिंबल्स यूज कर सकते हैं। हर सिंबल को, ईच सिंबल को, प्रत्येक सिंबल को, ईच सिंबल, प्रत्येक सिंबल को हम यहां पर क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। प्रत्येक सिंबल को हम यहां पर क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। तो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर टोटल कितने सिंबल यूज होते हैं, 10 सिंबल यूज होते हैं, और हर सिंबल को क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। उसके बाद में आगे अगर मैं बोलूं, अब आप यहां पर ये देखोगे कि ये एक चीज और कह रहा है। इसने देखो एक तो कहा इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है कि भी कोई भी नंबर जिसके अंदर क्या ना हो, पॉइंट ना हो। जैसे मैंने लिख लिया 235, आप देख रहे हो कि इस नंबर के अंदर कहीं कोई पॉइंट है, नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का मतलब होता है फ्लोट नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या हो, पॉइंट भी हो साथ में। जैसे मैंने लिखा 24.5, तो आप देख रहे हो कि इस नंबर के अंदर मैंने क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर या फिर फ्लोट नंबर भी बोलते हैं। इसको हम फ्रैक्शन नंबर या क्या बोल सकते हैं, फ्लोट नंबर बोल सकते हैं। और तीसरा है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है कि इंटीजर नंबर भी हो गया और फ्लोट में नंबर हो गया। मतलब अगर मैं मान लो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब यहां पर सीधा होगा कि सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 0.5, इसमें देखो इंटीजर वैल्यू नहीं है, सीधा क्या है, 0.5 है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया। और तीसरा ये कह रहा है मिक्स्ड, मतलब जैसे मैं अगर इन दोनों को, ये इंटीजर वैल्यू है 235 और ये 0.5, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, मैंने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गई, मिक्स्ड वैल्यू बन गई, जिसमें इंटीजर वैल्यू भी है और आपकी ये फ्लोट वैल्यू भी या फ्रैक्शन नंबर भी है। तो आप यहां पर ये कहोगे डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ये नंबर इंटीजर भी हो सकता है और ये नंबर आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है या दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पॉइंट भी हो सकता है और बिना पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है। टोटल कितने डिजिट होते हैं इसके अंदर, 10 डिजिट हम यूज कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आगे देखो थोड़ा सा डिटेल से देखिए कि यहां पर इसने डेसिमल नंबर सिस्टम की स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया। डेसिमल नंबर की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए देखो इसने क्या किया, इसने यहां पर एक डेसिमल नंबर लिया है,
और वो डेसिमल नंबर इसने क्या लिया है, देखो यहाँ पर इंटीजर दे रखे हैं और यहाँ पर आपके पॉइंट दे रखे हैं। तो सपोज करो कि मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया डिजिट थ्री की जगह, या डी वन डी टू ले रखा है ना, ये क्या है डिजिट है। डिजिट थ्री की जगह मैंने टू ले लिया, डिजिट टू की जगह मैंने थ्री ले लिया, डिजिट वन की जगह मैंने फोर ले लिया, डिजिट जीरो की जगह मैंने फाइव ले लिया, और फिर ये पॉइंट का निशान लगा दिया, ये डेसिमल पॉइंट है आपका। और फिर ये डिजिट माइनस वन की जगह मैंने क्या ले लिया, सिक्स ले लिया, डिजिट माइनस टू की जगह मैंने क्या ले लिया, सेवन ले लिया, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो मैंने नंबर यहां पर क्या लिखा है, मैंने नंबर लिखा टू थ्री फोर फाइव पॉइंट सिक्स सेवन। मान लो सपोज करो कि मैंने ये एक डेसिमल नंबर लिया है। अब डेसिमल नंबर जब मैंने ले लिया तो यहां पर ये क्या बता रहा है, इसका पोजिशनल वेट बता रहा है, पोजिशनल भार बता रहा है कि कोई भी डिजिट जिस पोजीशन पर है उसका पोजिशनल भार क्या होगा, पोजिशनल वेट क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, आधार होता है 10। ठीक है, तो अब मान लो जब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो यहां पर देखो मैंने सबसे पहले लिखा टू थ्री फोर फाइव। अब मान लो एक बार मैं पॉइंट को भूल जाता हूं, सपोज करो ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, अब मुझे इसका पोजिशनल वेक्टर वेट चेक करना है। तो पोजिशनल वेट कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले यहां पर दाई तरफ से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा 10 की पावर 0 या 10 की घात 0, 10 की पावर 0, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा, 10 की पावर 0, क्योंकि बेस क्या है इसका, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो सबसे पहले 10 की घात 0, इसका फिर स्टार्ट कर देंगे 10 की घात 1, ये 10 की पावर आपकी 2 होगी, ठीक है, और ये 10 की पावर 3 हो गई। इसका मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया, 0 पावर से स्टार्ट किया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ये तो हो गया क्या, ये आपका डेसिमल नंबर है, ये सिर्फ पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जो है उसको मैंने 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब अगर आपको डेसिमल नंबर में पॉइंट दिया है, जैसे कि यहां पर पॉइंट दिया गया, अब ये नंबर और दिए गए 6 7, अगर डेसिमल नंबर के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी दी गई है तो पॉइंट वाली वैल्यू को देखो, इसमें बिना पॉइंट वाली वैल्यू को तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, दाईं तरफ से स्टार्ट किया, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे और दाईं तरफ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे माइनस वन से, 10 की घात माइनस एक, इसका पोजिशनल वेट क्या होगा, बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे 10 की घात माइनस एक, और इसका पोजिशनल वेट होगा 10 की घात माइनस टू, इसका पोजिशनल वेट क्या है, 10 की घात माइनस टू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया जाए और कहा जाए बताओ इस डेसिमल नंबर के अंदर किस हर डिजिट का पोजिशनल वेट बताओ, हर डिजिट का क्या बताओ, पोजिशनल वेट बताओ। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि मान लो सपोज करो ये आपको एक नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लो 4 5 3 पॉइंट 6 8, मान लो ये दे दिया आपको, ये आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया गया और आपको ये कहा गया कि बताओ 5 का पोजिशनल वेट क्या होगा, 5 का पोजिशनल वेट क्या होगा। तो 5 का पोजिशनल वेट सिंपली आप देख लोगे कि अच्छा 5, इसमें देखो इंटीजर वैल्यू भी है और पॉइंट वाली वैल्यू भी है, लेकिन आपको तो इंटीजर वैल्यू में 5 का पोजिशनल वेट पूछा है, तो आप इधर देखो दाईं तरफ से स्टार्ट हो जाओगे और बाईं तरफ जाना है, तो इसका पोजिशनल वेट तो 10 की घात 0 है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना, आपको बता दिया जाएगा कि ये एक डेसिमल नंबर है और आपको इसमें 5 का पोजिशनल वेट ज्ञात करना है। तो 5 का पोजिशनल वेट क्या हो जाएगा, 10 की घात 1 हो जाएगा। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10 ही होता है, 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 का मतलब है कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आई आपके, यस और नो बताएं। यस सर। पोजिशनल वेट समझ में आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने पोजिशनल वेट, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो इसलिए 10 की घात में लिखेंगे,
पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2 को डिजिट पर डिपेंड करता है कि आपने नंबर में कितने डिजिट ले रखे हैं, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 2, इस तरीके से हम पोजिशनल वेट ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में एक चीज और देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है। देखो जो सबसे बाईं तरफ जो वैल्यू होगी, यहां पर देखो इसने एक यूज किया एमएसडी और एक यूज किया एलएसडी। एक तो यूज किया सबसे बाईं तरफ जो वैल्यू है इसको तो यूज किया एमएसडी। आप देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा पोजिशनल वेट किसका है, एमएसडी का है। इसमें देखो इसकी वैल्यू क्या है, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब टोटल कितने हो गए, 1000 हो गए। इसका मतलब यहां पर तो सबसे बाईं तरफ जो वैल्यू होगी उसका पोजिशनल वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जो बाईं तरफ जो वैल्यू होगी, अगर मान लो यहां पर ले रहे हैं, तो जो सबसे बाईं तरफ, सॉरी, जो सबसे बाईं तरफ वैल्यू होगी उसको कहेंगे एमएसडी, और जो सबसे दाईं तरफ वैल्यू होगी उसको कहेंगे एलएसडी। एमएसडी का पोजिशनल वेट सबसे ज्यादा होता है, एलएसडी का पोजिशनल वेट सबसे कम होता है। अब देखो आगे इसने एमएसडी के बारे में बताया, एमएसडी के बारे में बताया कि द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन एनी नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि नंबर रिप्रेजेंटेशन की जब बात आ रही है, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे ऑक्टल नंबर हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसमें जो सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है, जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट होती है, सपोज करो कि मैंने यहां पर लिया 235, तो इसमें जो सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है इसको मैं कहूंगा एमएसडी। इसको मैं क्या कहूंगा, एमएसडी कहूंगा। जो सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है बाईं तरफ जो है उसको एमएसडी कहूंगा, और जो सबसे दाईं तरफ जो है इसको मैं कहूंगा एलएसडी। एमएसडी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एम का मतलब होता है मोस्ट, एस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, और डी का मतलब होता है डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और एलएसडी का मतलब होता है, एल का मतलब लिस्ट, एस का मतलब सिग्निफिकेंट, और डी का मतलब डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, बाईं तरफ वाली जो डिजिट है उसका पोजिशनल वेट। ये देखो यहाँ पर क्या है, विच हैज द ग्रेटेस्ट पोजिशनल वेट आउट ऑफ ऑल द डिजिट प्रेजेंट इन दैट नंबर इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये कह रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, ऐसी डिजिट जो दिए गए नंबर में सबसे लेफ्ट साइड में होती है, सबसे बाईं साइड में होती है, जिसका पोजिशनल वेट सबसे ज्यादा होता है उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का पोजिशनल वेट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और एलएसडी की अगर मैं बात करूं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आप यहां पर कहोगे ऐसी डिजिट जो दिए गए नंबर में सबसे दाईं तरफ होती है, जिसका पोजिशनल वेट सबसे कम होता है। ये देखो क्या कह रहा है, द राइट मोस्ट डिजिट इन एनी नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर हो जिसमें सबसे राइट साइड में जो डिजिट होती है, जो सबसे दाईं तरफ जो डिजिट होती है, विच हैज द लिस्ट पोजिशनल वेट। लिस्ट पोजिशनल वेट का मतलब आउट ऑफ ऑल द डिजिट प्रेजेंट इन दैट नंबर। ये कह रहा है कि उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट प्रेजेंट होती है, उन डिजिट में जो सबसे दाईं तरफ जो डिजिट होती है, जिसका पोजिशनल वेट सबसे लिस्ट होता है, मतलब जो सबसे कम जिसका पोजिशनल वेट हो, उसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। तो एक तो हो गया एमएसडी और एक हो गया एलएसडी। अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट नोट्स लिखो एमएसडी और एलएसडी पर, तो सबसे पहले तो आप एमएसडी और एलएसडी की फुल फॉर्म बताओगे। एमएसडी की फुल फॉर्म है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एलएसडी की फुल फॉर्म है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दिए गए नंबर में सबसे बाईं तरफ होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दिए गए नंबर में सबसे दाईं तरफ होती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का पोजिशनल वेट सबसे ज्यादा होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का पोजिशनल वेट सबसे कम होता है। ये बात क्लियर है, यस और नो? एमएसडी और एलएसडी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो एमएसडी एंड एलएसडी क्लियर कर दोगे? हाँ सर, कर देंगे। ओके, दिस इज एमएसडी एंड एलएसडी, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पर, इसने डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल लेकर के आपको बताए कि देखो इसने सबसे पहले लिया 1214, ध्यान से देखना ये नंबर,
अब मैंने आपको बताया कोई भी नंबर जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट हो उसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। तो ये डेसिमल नंबर नंबर के उदाहरण दे रखे। अब देखो इसमें डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट देखो इसमें कितने, सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं, इस नंबर के अंदर टोटल डिजिट कितने हैं। एक तो हो गया 1, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया 2, एक आपका ये 1, 3 और एक आपका 4। टोटल 1, 2, 1, 4 टोटल कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। अब हर डिजिट को देखेंगे कि क्या वो 0 से 9 के बीच में आ रहा है, 1 0 से 9 के बीच में आ रहा है, 2 0 से 9 के बीच में आ रहा है, 1 0 से 9 के बीच में, 4 0 से 9 के बीच में। तो हर नंबर 0 से 9 के बीच में आता है, इसका मतलब क्या है आपका नंबर है। इसी तरीके आपकी जो वॉइस है आधार कार्ड नंबर, जो आधार कार्ड नंबर बैंक का नंबर, ठीक है। हाँ तो आप देख पा रहे हो ये जो दूसरा नंबर है इसमें टोटल, सॉरी अनम्यूट बोल रहा था, म्यूट बोलना चाहिए। हाँ दूसरा तो नंबर है 1897, तो इसमें टोटल 4 डिजिट है। आप देखो इसमें ये भी 0 से 9 के बीच में, ये भी 0 से 9 के अंडर में आ रहा है, ये भी 0 से 9 लास्ट डिजिट आ रहा है, ये भी 0 से 9, दिस इज डेसिमल नंबर। इसी तरीके से ये 2 तो ऊपर वाले इंटीजर नंबर दिए हुए थे क्योंकि इनमें देखो पॉइंट नहीं था कहीं भी, दशमलव बिंदु मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं था, इसमें देखो आपने डेसिमल पॉइंट भी दे रखा है साथ में। तो ये देखो इसके अंदर टोटल डिजिट कितने हो गए, 4 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल 6 डिजिट है, सब 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा डेसिमल नंबर है जिसके अंदर इंटीजर नंबर भी है और फ्रैक्शनल नंबर भी है। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब जिसमें पॉइंट वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, उसके बाद में अब हमारा दूसरा नंबर सिस्टम आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर केवल कितने डिजिट सिंबल हो, केवल 2 ही सिंबल यूज होते हैं, एक तो 0 और एक 1। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर कितने सिंबल यूज होते हैं, एक तो 0 और एक 1, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 2 ही सिंबल यूज होते हैं, कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। तो आप यहां पर ये कहोगे कि अब चूंकि यहां पर काउंटिंग करें तो कितने सिंबल हुए, 2 सिंबल, इसलिए इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 2 होगा। इस बेस को हम रेडिक्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेडिक्स। एक वर्ड और है RADIX, रेडिक्स। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि बाइनरी नंबर के अंदर जो डिजिट यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है। अब ये कहोगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर तो 2 ही डिजिट होते हैं, या तो 0 या फिर 1 होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 10110, तो ये क्या है, एक देखो इसके अंदर 2 ही टाइप के डिजिट यूज हो रहे हैं, एक तो 1 यूज हो रहा है और एक 0 यूज हो रहा है। तो इसमें ये देखो मैंने कितने डिजिट यूज किए, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट तो मैंने 5 यूज किए हैं, लेकिन कितने इसमें डिजिट यूज हो रहे हैं, 2 ही प्रकार के डिजिट यूज हो रहे हैं, एक तो 0 और एक 1। तो इसमें हर एक डिजिट को क्या कहा जाएगा, बिट कहा जाएगा। इसका मतलब इस बाइनरी नंबर में, इस बाइनरी नंबर में टोटल कितने बिट हो गए, एक डिजिट ये रहा तो इसको भी बिट कहेंगे, इसको भी बिट कहेंगे, इसको भी बिट कहेंगे, इसको भी बिट कहेंगे और इसको भी बिट कहेंगे। तो टोटल कितने बिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब इस नंबर के अंदर कितने बिट है, 5 बिट है।
इस नंबर के अंदर टोटल कितने बिट हो गए, 5 बिट है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो ही प्रकार के नंबर यूज होते हैं, एक तो 1 और एक आपका 0 यूज होता है, इसके अलावा और कोई भी डिजिट यूज नहीं होता, इसीलिए इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 10110, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर टोटल कितने बिट, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, हर डिजिट को बिट कहा जाएगा, तो टोटल कितने बिट है इसके अंदर, 5 बिट है। ये बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने साथियों को जो है वो बोले सबको कि ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को, है ना, ले आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कंटिन्यू आपकी ठीक 2 बजे क्लास होगी। अपने जितने भी साथी लोग हैं आप उनको बोलते हैं ठीक 2 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, आपको जो है यूट्यूब अपने चैनल पर भी मिल जाएगी और आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। अपनी जो क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आए उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और अपना जो चैनल है उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।